हालात कितने भी खराब हों, हार मानने की बजाय उन्हें बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमें लगातार जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए और आने वाले कल को आज से बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। एम आई राइट? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो ये क्लॉक टूट गई थी, इसके मैं स्टोन्स निकाल रही थी, टाइम टेबल बना रही हूँ। आज तो बहुत सारा शेड्यूल अपना तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कल से जो आज जो शेड्यूल तैयार कर रही हूँ ना, वो कल से मुझे मैंने बैग से अपने सारे आइटम निकाले, जो कलर पेन और जो कुछ भी था वो सब निकाला और अपना नया टाइम टेबल लिखना स्टार्ट कर दिया अपनी नोटबुक में। क्योंकि जो पहला पुराना टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई तो कर रही थी, पर आजकल कुछ थोड़ा ऐसे ही है, रूटीन बन नहीं पा रहा है। तो फिर से मैंने अपने सारे सब्जेक्ट मंडे संडे ट्यूसडे को मुझे कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है और मॉर्निंग में इवनिंग में आफ्टरनून में क्या पढ़ना है, कितना प्रैक्टिस करना है, वो सब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। ये रात का ही समय है जब मैं पढ़ाई कर रही थी, सब लोग सो गए तो शांति से अपनी पढ़ाई हो रही है, और वरना घर के अंदर शोर शराबा कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहता है तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती। अब मेरा मन सीधा उसी पर फोकस है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। मुझे लेट नाइट तक पढ़ना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा रूटीन में भी आ चुका है और लेट नाइट तक मुझे नींद भी नहीं आती, इसलिए मैं रात के समय ही ज़्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ। मॉर्निंग में भी कोशिश करती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे रात के समय ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सबका अपना अपना होता है, जो जैसा चाहे जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकता है, लेकिन कहते हैं मॉर्निंग की स्टडी सबसे बेस्ट रहती है, बट मैं कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में भी अपनी स्टडी कर लेती हूँ। तो अभी ये मैं बुक्स वगैरह भी सेट करके रख रही थी, सब लोग सो गए थे, मैंने बताया ना ये मैं 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और समथिंग 2 बजे तक तो हो ही जाता है, पता ही नहीं चलता समय का। लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे ही निकल जाता है समय और नींद आने लगती है। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि श्योर मुझे डेली कंफर्म 2 बजे ही सोना है, ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे ही चल रहा है ये लाइफ आजकल, थोड़ा ऐसे ही चल रही है। पढ़ने में मन भी लगता है और नहीं भी लगता, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया शिक्षक भर्ती नहीं आई है, उसकी तैयारी चल रही है और थोड़ा आप सब तो जानते ही है, लेकिन मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। ये नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह मैं सारी कलेक्ट करके रख रही थी, उसमें कुछ पैसे निकल आए थे, मैं उन्हें देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि बुक्स वगैरह में सभी लोग अपने पैसे रुपीस वगैरह रख देते हैं नोट्स। और मुझे एक साउंड सुनाई दिया क्योंकि साइलेंट मूवमेंट हो रहा था और अचानक मैं डर गई, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन। और ये बुक्स वगैरह मैं सारी समेट कर रख रही थी क्योंकि मॉर्निंग से मुझे नया टाइम टेबल जो बनाया है उसको फॉलो करना है और जो होगा देखा जाएगा। ये मैं मैथ की बुक्स वगैरह, क्योंकि जो सोचते हैं कभी कभी मेरे साथ तो अक्सर हुआ है, मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं काफ़ी बार सोचा है कि ऐसा करना है वैसा करना है पर हो नहीं पाया, लेकिन मैं कोशिश हमेशा करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हार मान गई मुझसे नहीं हुआ, तो नहीं, जितना हो जाता है उतना ही काफ़ी है, उससे ही हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये कुछ वॉल पेपर्स वगैरह भी निकल गए थे मेरे, और बच्चों को पढ़ाती हूँ ना ट्यूशन तो उनके भी थे, पंखे की पंखा चलने लग गया ना, अब गर्मी आ गई है तो पंखे की हवा से गिर गए, तो मैं स्ट्रांगली अब टेप लगा के अच्छे से इन्हें चिपका रही थी, तभी मैंने वीडियो शूट कर ली, क्योंकि स्टडी करते हुए तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती। कोशिश करूँगी, अब धीरे धीरे सीख रही हूँ। ये रात का ही समय है, समथिंग आप 12:30 या 12 बज रहे थे, तो मिलती हूँ मैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के बज रहे 6:30, अभी मैं तुरंत सोकर जगी हूँ, तो मुझे टाइम टेबल फॉलो करना है। मैं लेट हो गई फिर भी मैं कोशिश जल्दी से फटाफट जगी हूँ और टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। अब जाती हूँ मैं छत पर जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ थोड़ी देर के लिए, एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा अपनी एक बुक रीडिंग करती हूँ। तो पार्थ आ गया है, पार्थ बोला बुआ जी मेरा होमवर्क करवा दो, क्योंकि पार्थ कल जल्दी सो गया था, पार्थ ने तो होमवर्क ही नहीं किया था। और पार्थ को देखो क्या दिया गया है, मैं दिखाती हूँ आपको। क्या हुआ बेटा, कैसे चोट लग गई थी आपको, आप बोल रहे हो चोट लग गई मुझे, देखो पार्थ को चोट भी लग गई, कोई बात नहीं। हाँ, मम्मा। देखो होमवर्क मिला है पार्थ को, बताओ हाँ। बेटा क्या कह रहे थे आप, देखो ये क्या है, स्मॉल स्मॉल व्हाट इज दिस, बड़ा बिग बी बिग, वो फिर से बताइए छोटा स्मॉल, वो फिर से स्मॉल स्मॉल,
What is big. It? Big. Oh, what is this? This Circle. Is a triangle. 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 वो फिर बोलो ये वाला. हाँ बताइए बेटा क्या है? Triangle. Triangle. तो मेरे थोड़ा पैर थक गए थे तो मैं ऐसे चल रही थी. तो मैंने सबसे पहले एक बुक्स ली. कल के टाइम टेबल में मैंने बनाया था कि मॉर्निंग में मुझे एक मोटिवेशनल थॉट एक नहीं मोटिवेशनल थॉट और मोटिवेशनल स्टोरी डेलीज पढ़ना है, जिससे मेरा माइंड एकाग्रत होकर लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे. क्योंकि तू बस अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए तो लोग हैं. अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं. ऐसा सोचते हुए थोड़ा आगे बढ़ना है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना. मैंने तो अपना माइंड सेट कर लिया है, जो मुझे आता है वो मैं करती रहूँगी और जो नहीं आता वो मैं सीखती रहूँगी. क्योंकि सीखते सीखते न जाने हम कितना आगे निकल जाएं. तो मैं अब गई थी मैट लेने के लिए और देख सकते हैं आप सुबह सुबह का टाइम है और धूप कितनी निकल आई है. गर्मी का मौसम आते ही मॉर्निंग में ही सूरज देवता के दर्शन हो जाते हैं और इतनी सारी धूप भी दिखा देते हैं वो. और विटामिन डी भी मिल जाएगी मुझे सुबह सुबह, लेकिन थोड़ा विटामिन डी अभी मुझे इतनी नहीं चाहिए. मैं इसलिए छांव की साइड आ गई हूँ. छांव में बैठकर अपनी किताब पढ़ूंगी. तो मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और आप भी ये फॉलो कर सकते हैं क्योंकि किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं. कहीं की मुश्किलें किस प्रकार की हैं और किन कारणों से है, उसके बाद इन मुश्किलों को दूर कर. तो पढ़ाई होने के बाद फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, जो मॉर्निंग की एक्सरसाइज होती है अपने पैरों की, और खुद एक्सरसाइज अब करने लगी हूँ डेली. पहले मेरा इतना रूटीन नहीं था, अब मैंने स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा भी है. हमारे जीवन में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे हम अपने मन को अपने तन को स्वस्थ रख सकते हैं. और फिर उसके बाद ये साफ़ सफाई का काम स्टार्ट हो गया था. छत पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, मैंने कहा चलो इसकी सफाई कर देते हैं. और ये डेली का ही वर्क है, ये तो जीवन की डेली एक्सरसाइज है. और उसके बाद ये क्या था, मैं आ गई थी ब्रश करने के लिए. चलो अब ब्रश कर लेते हैं. परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती हैं. कि मेरे सामने ना बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती रही हैं और आ भी रही हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा. और ये वीडियो बनाने वाला काम भी ना काफ़ी मेहनती वाला काम है, मेहनत लगती है इसमें. और यहाँ मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई थी तो मैं उन्हें देख रही थी, ठट्टर यानी जाली से देख रही थी. मम्मा कुछ कह रही थी, मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं करती हूँ. तो फिर से उन्होंने आवाज़ लगाई, मैं फिर से उन्हें पूछने लगी क्योंकि अब मैं नहाने जा रही थी. तो मैंने कहा ठीक है. और जैसे ही मैं रूम के अंदर आई तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा यहाँ भी गंदा हो रहा था और ये वाला भी काम. मैंने कहा चलो फटाफट कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहा लेते. फुल झाड़ू मुझे आसपास दिखी नहीं, सीको वाली झाड़ू ही थी. मैंने कहा चलो इसी से सफाई कर देते हैं. तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने कहा ये तो टाइल्स हैं, टाइल्स पे तो पोछा लगने के बाद ही चमक आती है, तो जल्दी से इस पे पोछा और मार देती हूँ जैसे कि एकदम ये रूम ना चमक जाए. सो मैं बाथरूम के अंदर गई पानी भरने के लिए. बाल्टी में पानी भर रहा था तो मैं कैमरे की तरफ देखकर डांस करने लगी और बोला दो मिनट रुको, मैं दो मिनट के अंदर पानी लेकर आई. तो पानी भरते ही जैसे ही मैं बाहर निकली, बाल्टी काफ़ी बड़ी थी, छोटी वाली बाल्टी थी नहीं. कोई नहीं चलो जो मिल रहा है उसी से कर देते हैं. तो चलो जल्दी से पोछा लगाने के बाद इस रूम को चमका देते थे फटाफट. भगवान मेरी किस्मत भी ऐसे ही चमका देना जैसे मैं इस टाइल्स को चमका रही हूँ. चलो जो होगा सो देखा जाएगा, आज से बेहतर कल होना चाहिए, बस इतना ही मनोकामना है. और देखो ये मैं नहा भी ली और कपड़े भी वॉश कर दिए. अब चलते हैं कपड़े ड्राई करने के लिए रस्सी पर. अब मैंने देखा रस्सियाँ काफ़ी ऊंची कर दी है भाभी ने, मेरा हाथ तो जाएगा ही नहीं. चलो स्टूल का सहारा ले लेते हैं. अब देखो मैं प्रैक्टिस करने लगी हूँ तो एक ही हाथ के सहारे स्टूल पर भी बैठ गई. आप देख सकते हैं मैंने एक ही हाथ के सहारे मैं स्टूल पर बैठ गई और यह है प्रैक्टिस का नतीजा ऐसे कह सकते हैं. अब प्रैक्टिस करने लगी हूँ ना, इसलिए करते ही रहना चाहिए वो ज़रूरी एक्सरसाइज. तो ये कपड़े ड्राई हो गए, कपड़े रस्सी पर डाल दिए क्योंकि वॉशिंग मशीन मैंने हुई तो काफ़ी पानी निकल रहा है इनमें से. तो अब चलते हैं नीचे. तो सुबह के 9 बज गए जस्ट, मैं अभी नहा कर आई हूँ और मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया. अब नाश्ता करूँगी थोड़ी देर में, मैंने ये रख लिया है. और मेरे प्यारे प्यारे दो स्टूडेंट भी आ गए, अंशिका एंड आयुष. इन्हें मॉर्निंग में बुलाया आज ट्यूशन,
तो अब इन्हें 1 घंटे के लिए क्लास लूँगी, उसके बाद अपनी फिर से स्टडी करने लग जाऊँगी। अभी आप लोगों को ट्यूशन दे देती हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई बट मैं आपकी लेट छुट्टी कर दूँगी। सुबह से ही लग रही हूँ, फिर पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। 6 o'clock में मेरी मॉर्निंग हुई थी, उससे लेकर ये 9 बज गए। 9 बजे से मैं इतनी स्पीड में काम कर रही हूँ बट थोड़ा टाइम लगता है करने में। चलो बेटा आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, इनको पढ़ाते पढ़ाते मैं नाश्ता भी कर लूँगी। ओनली 2 ही बच्चे हैं ना, इसलिए मैं हैंडल कर लूँगी। ओके, आप बने रहे मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो दोनों बच्चों को काम दे दिया था, वो अपने काम कर रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं अपना दलिया भी खा लेती हूँ, क्योंकि पेट पूजा हो जाएगी तो एनर्जी मिल जाएगी ना मुझे, इसलिए। 10:30, चलो बच्चों हो गई छुट्टी। नमस्ते, थकावट खूब हो रही है और मैं अपनी बुक भूल आई थी, ऊपर सुबह लेके गई थी ना वो बुक, मैं जल्दी जल्दी नीचे आ गई और बुक लाना भूल गई, तो अब जा रही हूँ बुक लेकर आती हूँ। देन उसके बाद मैं रूम में चली गई थी मम्मी के पास, मम्मी से बातें की, पापा के साथ न्यूज़ देखी और भाभी के साथ भी टाइम स्पेंड किया, मतलब थोड़ा सा अपने लिए समय निकाला स्टडी के अलावा। और ये दोपहर के 1 बज रहे थे जब बेड पे भाई सो रहा था और मैं नीचे स्टडी कर रही थी, और थोड़ा सा स्टडी के बीच में ब्रेक लिया था तो मैं दुकान से ये पेप्सी लेकर आई थी, कोका कोला। नींद आने लगी थी ना नींद को उड़ाने के लिए, और वहाँ से देखो भाई ने मेरे लिए भेलपूरी, शायद दुकान पर कोई आया होगा ढकेल वाला, तो भैया ने मेरे लिए भेलपूरी भिजवा दी। मैं पेप्सी लेकर आई थी ना तो मैं खुश हो गई, अरे वाह पीछे से भिजवा दी मेरे लिए, एक कोई ग्राहक थे शायद वो ही लेकर आए थे अंदर से, भाई के दोस्त थे वही अंदर मुझे आके रूम में दे गए, बोले लो तुम खा लेना, और भाभी भाभी सो रही है मैं भाभी के लिए रख के आती हूँ, और मैं तो खाने लग गई स्टार्ट कर दिया। तो एस टेट के लिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, समथिंग 12 सब्जेक्ट, तो आज मैंने जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ की प्रैक्टिस सेट की थी, 30-30 क्वेश्चन सबके प्रैक्टिस सेट के लिए थे, और मैं नीचे से बेड पर जल्दी से दौड़ कर आ गई, क्योंकि ये डॉगी है ना पप्पी वो मुझे डरा रहा था, मुझे पता नहीं क्यों इसे डर लगता है, तो मैंने अपनी सारी बुक्स वगैरह सब ऊपर सेट कर ली, मैंने कहा अच्छा बेड पर ही पढ़ूंगी, भाई सो रहा है तो साइड में सोता रहेगा, मैं इससे डर गई थी और ये चुप कैसे बैठ गया। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग दोपहर की स्टडी मेरी बहुत अच्छे से हुई। देन उसके बाद 4 बज गए थे, 4 बजे मेरे ट्यूशन स्टार्ट हो गया, ये सारे प्यारे प्यारे मेरे बच्चे आ गए ट्यूशन के, तो चलो अब बच्चों को ट्यूशन दे देते हैं। और ये वाला टाइम स्पेन मुझे बहुत सबसे बेस्ट लगता है बच्चों को पढ़ाना। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बैठे बैठे, यहाँ कमर में दर्द हो जाता है मेरे, काफ़ी टाइम हो गया ना, तो ये सनी है थोड़ा ये भी थोड़ा दिव्यांग है ना, पैर से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसी समझने की क्षमता नहीं है इसकी दिमाग की औरों के मुकाबले, बट समझने की कोशिश तो बहुत करता है, लगातार मेहनत में लगा रहता है, इतना है कोशिश इतनी करता है, मुझे अपना बचपन याद आता है, पढ़ाई में लगा रहता है। सनी क्या नाम है बेटा आपका? सनी, इसका नाम सनी है, और कोशिश इतनी करता है जैसे मैं बचपन में करती थी, जी जान से लगी रहती थी कि एक दिन अच्छा होगा पढ़ने से, एक दिन सच में अच्छा होगा, किसी लगन के साथ में लगी रहती थी। और ओके बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैं जानवी को बोर्ड से पढ़ा रही थी, अब गए सभी बच्चे, अब मैं थोड़ी देर लेट लेती हूँ, कमर सी भी कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो 10-15 मिनट लेट कर मैंने अपनी कमर सीधी की, तो अभी हो गई इवनिंग का समय, मेरे भगवान जी का ध्यान करने का समय, तो अब मैं जाती हूँ शाम की आरती करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में देख ही रखा होगा, शाम को मैं भगवान की आरती करती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ। मैं आई हूँ बैंक, और बैंक की सीढ़ी देखो कितनी गंदी हो रही है, अब मैं इस पर चढ़ूँगी व्हील चेयर तो लेके नहीं जा सकती ना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और देखो कैसी बैंक की, मुझे गंदगी को देखकर ऐसा लग रहा है कैसे जाऊं, गंदे कपड़े हो जाएंगे, संभाल के जाना पड़ेगा। चलो तो मैं चलती हूँ बस। ये कल का वीडियो है जब मैं बैंक गई थी अपने पैसे निकलवाने के लिए, जो दिव्यांग पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मैं निकलवाने गई थी, किसी कारण मुझे ज़रूरत थी पैसों की, लेकिन मैं उदास हो गई क्यों, क्योंकि मेरी पेंशन तो रुक गई। मैं इस बार हर महीने हर 6 मंथ बाद निकलवा लेना चाहिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, वरना रोक दी जाती है आपकी पेंशन, मुझे नहीं पता था, इस बार मैं थोड़ा लेट हो गई इसलिए मेरी रोक दी, और मैं सैड हो गई। एक तो इन सीढ़ियों को देखकर ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इतनी गंदी हो रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था चढ़ना उतरना,
और ऊपर से पैसे भी नहीं मिले तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई। तो फिर घर वापस आ गई खाली हाथ। अब जाएंगे अधिकारी के पास शिकायत लेकर, तब जाके देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। और अम्मी अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि अम्मी मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, झटके आ रहे थे, और जो मैंने आज का टाइम टेबल बनाया था, टारगेट बनाया था, वो पूरा नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई, लेकिन कुछ करती हूँ। मैंने आज और इनका प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होता है हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर रहता है। अब देखो आपसे बात करने लगी तो थोड़ी थोड़ी आईज भी ओपन होने लगी, वरना ऐसी नींद आई थी मुझे बहुत ज़्यादा झटके वाली नींद आई थी। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, अब जाती हूँ सोने के लिए। पर बस थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, उसके लिए मुझे एक स्कूटी लेना है हर हाल में, मेरा सपना है। ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सत श्री अकाल, गुड नाइट।